Put the pile on inclined plane. कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान। बस यही है, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। अब इससे निकालना है, सारे फॉर्मूले वही होंगे, क्या चेंज होने वाला है इसमें ये बताओ मुझे, इसमें चेंज क्या होगा? फॉर्मूला सेम रहेंगे, सेम कंसेप्ट, सेम सब कुछ सेम, बदलेगा क्या इसमें? बदलेगा ax का एक्सेलरेशन, वहां जीरो होता था, यहां जीरो नहीं होगा। यहां क्या हो रहा है, g इधर काम कर रहा है ना, तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो ये g cos अल्फा, सॉरी g sin अल्फा, और यहां g cos अल्फा। बस नहीं समझ आया, ये जी नीचे काम कर रहा ना, अब जब बॉडी पहले क्या, पहले ऐसे चलती थी, अब जी ऐसे होता था, ठीक है, तो जी का ये वाला कंपोनेंट तो जीरो हो जाता था क्योंकि 90 डिग्री पे था, अभी क्या जीरो हो रहा है क्या ये कंपोनेंट? अब यही प्लेन ऐसे उठ गया, जब ये ऐसे उठ गया तो अब तो जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये इस पर तो अब ये तो 90 डिग्री हो नहीं रहा है ना, अब तो कुछ एंगल बना रहा है, इसीलिए इसको लिखा जी साइन अल्फा, इसको जी कॉस अल्फा। ठीक है, डायग्राम बनाओ जल्दी से, इतना सा बाकी सारे फॉर्मूले लगाओ उसी के, अपने आप बन जाएगा। कभी कभी मेरे दिल में तो यू एक्स बराबर यू कॉस बीटा, यू वाई बराबर यू साइन बीटा, और ये पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखने के लिए टू यू बाई जी, टू यू वाई अपॉन जी होता था ना, ये लिख देंगे तो टू u sin beta divided by g cos, g cos alpha, सही है, यही होना चाहिए, लिख लो। बहुत दिन से तुम पढ़ नहीं रही हो, काफी दिन से पढ़ाई नहीं हो रही है ना, काफी दिन से पढ़ाई नहीं हो रही है, अब्बू से मिलना पड़ेगा, कल आए थे लेकिन हम कुछ बोले नहीं उनको, अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख के बताओ, एच मैक्स का,
ठीक है, कितना बनेगा एच मैक्स यू वाई स्क्वायर टू जी, यही फॉर्मूला होता है। तो यू वाई स्क्वायर कितना है अपने पास, स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई टू जी, तो टू जी कॉस अल्फा। देखना गौर से, पहले ऐसे था जी यहां था, अभी देखो एच मैक्स ये है, तो आ गया ना जी कॉस अल्फा, जी का वैल्यू नहीं कहे जी साइन अल्फा। ये वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट किधर है, आया समझ। अब आपको क्या निकालना है, रेंज, रेंज हाँ, ए शुरू शुरू में फैज जब आया था शुरू शुरू में, तो आपको लगता है तीसरा या चौथा बच्चा रहा होगा इस क्लास का, तीसरा चौथा बच्चा रहा होगा, अयून अबू तालिब जयान, उसके बाद फैज आना स्टार्ट किया था, जुबिया हाँ हाँ, बाद में ये भी आ गई थी, तो इतने ही बच्चे आते थे। तो फैज एकदम एकदम अटेंटिव होकर पढ़ता था, अब जब अटेंटिव होकर तो देखता है फुल टू बंदर हो गया है, ठीक से पढ़ ले यार, नीचे पेमेंट किया होगा तुमने शायद, ये फ्री में पढ़ा रहा है फिक्सर तुम लोग को, फ्री क्या मतलब पैसा नहीं दिया क्या तुम लोग, नहीं दिया ना किसी भी हाँ। तो क्या लिखोगे भाई, यूटी प्लस हाफ ए टी ए स्क्वायर, तो यूटी मतलब यू साइन बीटा, सॉरी यू एक्स ना, तो यू कॉस बीटा, यू कॉस बीटा टी माइनस, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस जी साइन अल्फा होगा, और ये जी साइन अल्फा इधर होता तो प्लस होता, लेकिन किधर है, इधर माइनस उसी उसी की जगह जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, दिस इज रेंज। समझा नहीं, ऊपर से नीचे फेंकोगे ना हाँ। अब बूढ़ी पढ़ाएंगे हम, सिलेबस में नहीं है तुम लोग के, हम मुझे आता है लेकिन और सिलेबस में नहीं है, है लेकिन करेंगे अभी, रहने दो इसको क्योंकि क्लास आधी खाली हो जाएगी, अपना फीडबैक नहीं खराब करना है। चलो लिख लो, यू कॉस बीटा टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, अगर तुम टावर से किसी चीज को फेंकोगे ना जी का वैल्यू तो वही रहेगा ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा थोड़ा चेंज होगा उसमें, थोड़ा ना कुछ है, अगर तुम टावर से फेंक रहे हो यहां से ऐसे फेंक रहे हो ना, तो या तो जी का वैल्यू एक्स तो जीरो हो जाएगा यहां, और ए वाई के वैल्यू माइनस जीरो आ जाएगी, बाकी सब वही मेथड लगेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगा दो बस। खैर चलो हाँ, जी हमेशा डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है, चाहे आप बॉडी के ऊपर फेंक रहे हो चाहे नीचे फेंक रहे हो, एक ही याद रखना कि जी को माइनस ले लेना डाउनवर्ड, उससे क्या होगा तुम्हारा प्रॉब्लम में कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बनाने टाइम क्या होगा तुमको, एक बार जो तुम क्या करोगे यहां से टावर से तुमने ऐसे फेंका तो यहां तुमने माइनस जी ले लिया, इधर आ रहा है तो प्लस जी ले लिया, तब यहां पे फिर तुमको हर कैलकुलेशन में आधा कैलकुलेशन इधर करना पड़ेगा आधा इधर करना पड़ेगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी माइनस जी ले लेना, बाकी पूरे माइनस ले ओ आ जाता है आंसर से वो दिक्कत। तो ये था मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, एक सवाल इस पर बनाते हैं, है ना।
लिखो तो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर, व्हाट is speed of the particle, what is speed of the particle when it call sorry when it collides at point A, kuch bhi likho, when it collides at point A, shayari nahi chal rahi beta, हाँ अच्छा पिक्चर बना दूँ ना, अरे कुछ नहीं, 30-30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन बना लो और कुछ नहीं, 10 मीटर पर सेकंड से इसको फेंक दो, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड से कर दो, चलो ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है, उल्टा 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 कौन सा वाला है, अच्छा ये वाला, हाँ सही, ये 30 डिग्री और यहां से जब पार्टिकल फेंका तुमने, ये भी 30 डिग्री और ये तुम्हारा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, अब आपको निकालना है जी का वैल्यू, 10 ले लेना, हाँ वही जहां पे टकराया उसको एक पॉइंट लिख दो, ये जहां पे टकराया ना वहां पे पॉइंट ए हो गया, जूबिया आगे देख लिया, लिख लिया तो सवाल बना लिया, हाँ संस्कार, आपने संस्कार अच्छे रखे, क्वेश्चन बनाइए, है ना तिवारी जी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्रिमिनल है राजन तिवारी बिहार में, तिवारी जी क्या हुआ, यही है एक वी एक्स एक वी वाई एल, वेलोसिटी निकालनी है तुमको, स्पीड क्या होती है वही बात है ना, स्पीड वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन की बात है, जहां पे टकराता है बॉडी वहां का स्पीड निकालना है तुमको, मैंने क्या बोला था ऐसे टकराया, ये वाला निकाल, ये वाला निकाल, अयून नहीं पढ़ना है, दिल नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन बनाने का ट्राई मारिए ना, इसमें तुम एक चीज ध्यान देना कि Vx भी निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट तो होना नहीं है, उसकी वजह देखो ऐसे ही चल रहा ना, इसीलिए तो पहला तुमने क्या निकाला, सिंपल निकाला Ux, तो Ux तुमने निकाला 10 इंटू cos 30 डिग्री, तो 5 cos 30 डिग्री का वैल्यू, सॉरी cos 30 डिग्री वाली कितनी होती है, रूट थ्री अपॉन टू, तो 5 रूट थ्री आ गया,
अच्छा तो अब वी एक्स बराबर क्या होगा, यू एक्स है ना, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो ए एक्स आपको यहां से जी से है ना, तो जी 30 डिग्री, ये उल्टा है तो माइनस होगा, माइनस जी साइन 30 और ये जी कॉस 30। तो जी यू एक्स तो आपको पता है 5√3 माइनस 10 जी साइन 30 है ना, जी साइन साइन 30 इंटू टी, ये आ रहा है वी एक्स। तो क्या करोगे अब, तो 5√3 माइनस 5, ये तो 1/2 हो जाएगा ना, 5t, तो ये vx आ गया। टाइम वन तो पता नहीं अपने को है ना, uy कितना है, uy 5 आ जाएगा, तो vy इक्वल टू 5 माइनस कितना हो जाएगा uy ayt ना, ay कितना है ये, तो g कितना आएगा बोलो ना, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये फॉर्मूला होगा। तो वी वाई यू वाई कितना है अपने पास, यू वाई 5, तो 5 प्लस ए वाई कितना है माइनस जी कॉस 30 ना, नीचे की तरफ हो तो माइनस हमेशा लेते ही हम लोग, तो 10 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 √3/2 इंटू टी माइनस के साथ, तो 5 माइनस 5√3 टी, सब सेम ही आ रहा है। अच्छा ये उल्टा आ रहा है, ये सीधा आ रहा है वी वाई। अब अपने क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वेलोसिटी तो निकाल दो, दोनों पता हो गया तुमको, वी एक्स वी वाई, वी एक्स वी वाई दोनों पता है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, खत्म आंसर। टी का वैल्यू कुछ दिया है क्या, नहीं दिया तो बनेगा कैसे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो, 2/√3 आंसर आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो 2/√3 आएगा, उसे √3 कट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया। लगभग काइनेमेटिक्स का 90% सिलेबस खत्म हो गया, अब दो चैप्टर बचा हुआ है, एक ग्राफ और एक रिलेटिव वेलोसिटी। ग्राफ अभी बताएंगे, शुरू करेंगे, टेन बाय रूट थ्री आया ना, सही है, चलो सबको आ गया, प्रोजेक्टाइल कुछ ज्यादा लंबा नहीं पढ़ा दिए हैं टीचर लोग, एक ही दिन पढ़ा के खत्म कर देता, दो घंटे डेढ़ घंटे में बस, हम जेई वाले बच्चों पे थोड़ा सा रहम कर दिया और कुछ नहीं, नहीं नीट वाले के लिए क्या था, कल जो 4-5 क्वेश्चन कराया था वही काफी था नीट वाले, क्या जाइना ठीक हो, आज अब्दुल्ला यासीन नहीं आया, अरे अरे वो भी टेस्ट के डर से, वो तो डरेगा नहीं, हमको नहीं लगता कि, अच्छा जो फेल हुआ उसका रिटर्न, तो फिर वो क्यों नहीं आया आज क्लास, करने क्यों नहीं आया, अच्छा पीसीएम पीसीपी, वो तो मेजर टेस्ट हो रहा है ना तुम लोग का, अब मुझे पता ही नहीं क्वेश्चन कहाँ छप रहा, नहीं छप रहा, क्या हो रहा, नहीं मालूम, Thank you.
टेन बाय रूट थ्री आंसर आएगा। हेडिंग बनाओ ग्राफ्स, ब्रेक टाइम हो गया क्या? अभी है 2-3 मिनट शायद। अभी भी 3 मिनट बचा हुआ है।